हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। और अब मैं खुशबी को स्कूल छोड़ के तो आ चुकी हूँ। खुशबी को स्कूल छोड़ दिया और अब मैं करती हूँ अपने घर का काम। सारा घर का काम ऐसे फैला पड़ा हुआ है। तो ये देखिए, खुशबी ये कपड़े उपड़े उतार के यहीं पे छोड़ के चली गई है। और बिस्तर भी अभी ऐसे ही फैला पड़ा है। और मेरी खुशबी अभी दूध बोतल से ही पीती है, तो बोतल भी यहीं पे फेंक के चली गई है। और अब मैं करती हूँ अपने घर के काम की शुरुआत। ये देखो, रात को ये इससे खेल रही थी और ये यहीं पे मेरी दाल लेके आई किचन से और उससे खेल रही थी। ये भी यहीं पे छोड़ के पटक के चली गई है। बस अब पहले मैं अपने घर का काम कर लूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। ये मैं अब सफाई वफाई करने लग गई हूँ अपने घर की। ये बिस्तर विस्तर फोल्ड करके और फिर ये चादर वादर सही बिछा के, और ये जो कपड़े वपड़े बिखरे पड़े थे सारे मैंने तय लगा के इधर रख दिए हैं। इसके खिलौने वलौने भी सारे बिखरे पड़े थे, उनको भी उठा के रख दिया है। और अब मैंने चादर वादर सही कर रही हूँ। चादर को मैंने सही से बिछा लिया है। और अब इसमें जो खुशबी ने कुछ गिरा रखा था उसको झाड़ दिया है और साफ ऑफ कर लिया है। थोड़ा सा शीशा भी साफ कर लेती हूँ। शीशे में भी सारे दाग वाग मार देती है ये लड़की। हाथ पैर वो कर करके ना सारे दाग लगा देती है शीशे में भी, हाथों को छाप छाप के गीले। तो बस अब हो गई है। ये चादर वादर कर लिया मैंने। अब मैं झाड़ू लगा रही हूँ, झाड़ू वाड़ू लगा रही हूँ अब मैं। मैंने झाड़ू वाड़ू भी लगा लिया है, इधर से लगा लिया पूरा। अब उधर से लगा रही, गैलरी है ना हमारी, उसमें लगा रही थी थोड़ा सा। और ये आंगन भी है तो आंगन वांगन में मैंने सारा झाड़ू वाड़ू लगा लिया है। ये मैं कूड़ा उठा के फेंक देती हूँ कूड़े की उसमें। और अब मैं बर्तन धोने बैठ गई हूँ। बर्तन भी हो जाते हैं धोने के लिए काफ़ी। कुछ भी खेलने वेलने के लिए सारी थालियाँ कटोरे वगैरह इकट्ठा करती हूँ, उनसे खेलने लग जाती, तो वो भी फिर धोने के लिए ही हो जाते हैं। तो और फिर सुबह के नाश्ते वास्ते चाय वाय के बर्तन भी हो ही जाते हैं सुबह के। और फिर मैं ये बाकी जो सब्जी वब्जी बनाते हैं उन बर्तनों को भी मैं खाली खाली करके धो देती हूँ। अब मैं पहले बर्तन धो लूँ। छोटे छोटे बर्तन काफ़ी हो जाते हैं बच्चों वाले घर में, क्योंकि बच्चे काफ़ी कर लेते हैं। कभी पानी पीना, कभी कुछ करना, कभी कुछ करना, और कुछ तो उसको खेलने के लिए ही चाहिए होते हैं, तो काफ़ी हो जाते हैं। और मैंने कढ़ाई भी धो दी है। धुल गए मेरे बर्तन। अब बर्तन वर्तन धुल गए। अब मैंने सोचा मैं कपड़े धो लूँ, तो बाल्टी में अब कपड़े भिगो देती हूँ पहले। मैंने साबुन डाला और कपड़ों को बाल्टी में, कपड़े थोड़ा से ही है, कोई ज़्यादा कपड़े नहीं थे, इसलिए मैं हाथ से, वैसे मैं हाथ से ही धोती हूँ कपड़े। मशीन में मैं बहुत कभी कभार अगर बहुत ही वो है तो जो जल्दी है तो, वरना मैं हाथ से ही धोती हूँ। और ठंडी के मौसम में थोड़ा सुखा लेती हूँ, जब धूप कम होती है तो सुखा लेती हूँ सिर्फ मशीन में, बाकी मैं हाथ से ही धोती हूँ कपड़ों को। तो ये मैं अभी कपड़े धो रही हूँ, साबुन वाबुन लगा रही हूँ कपड़ों पे। खुशबू के कपड़े भी काफी गंदे हो जाते हैं। कपड़े तो रोज हो ही जाते हैं धोने के लिए ना, तो रोज ही धोने पड़ते हैं कपड़े। ये मैं अभी धो ही रही हूँ कपड़े, वो साबुन लगा रही हूँ, साबुन और ब्रश मार के। बस ये धुल गए मेरे कपड़े। और मैंने सोचा थोड़ा बाल्टी पे भी
साफ कर लूँ तो बाल्टी भी मैं साफ करने लग गई हूँ। और बस अब मैं पानी खोलने चली गई छत में, पानी खोल के आई, टंकी ऊपर वाली टंकी का पानी बहुत ठंडा है, और बस अब मैं इनको खंगालूंगी। ये धुल गए मेरे कपड़े, अब मैं इनको छत में डाल के आती हूँ धूप में। मैंने गाजर लिए और मूली, और अब मैं इनको धो देती हूँ। देखना कितनी मिट्टी है इन मूलियों में। मैं इनको धो के साफ करके रखती हूँ, फिर मैं यहाँ पे भी सफाई कर लूंगी। काम वाम सारा मेरा हो गया है और अब मैं काट रही हूँ। अभी थोड़ा टाइम है खुशबू को लेने जाने के लिए, तो मैं अभी ब्लाउज काट रही हूँ। इस वाले ब्लाउज की कटिंग करूंगी। देखो शैनिल का ब्लाउज है ये, वेलवेट का। ये देखिए SS का डिज़ाइन है, तो इसके पल्ले ना मुझे अलग अलग ही काटने पड़ेंगे, क्योंकि तो इसमें अस्तर भी नहीं लगाना है। तो इसमें ऐसी कढ़ाई हो रखी है देखिए, और थोड़ा मुश्किल काम है लेकिन करना तो पड़ेगा ही, कटिंग तो करनी ही पड़ेगी। चलो काटते हैं फिर ब्लाउज, फिर मिलते हैं आपसे। का हो गया स्कूल का टाइम, तो मैं उसको स्कूल लेने जा रही हूँ। कटिंग तो पूरी मेरी हो नहीं पाई है लेकिन अब आगे करूँगी, और फ़ोन में लेके नहीं जाती इसलिए मैं रास्ते का वीडियो नहीं बना पाती हूँ। ये देखिए वाले ब्लाउज की कटिंग भी मैंने कर ली है, ये फ्रंट है और ये बैक है। और स्कूल से आके खाना वाना भी खा लिया है, खुशबू भी आ गई है, कपड़े वपड़े भी चेंज हो गए, खाना भी खा लिया, और अब मैं बैठती हूँ सिलाई करने अपनी। थोड़ी देर सिलाई का काम करती हूँ अपना। देखिए ये वाला ब्लाउज मेरा बनके तैयार हो गया है, ये वाली लेस लगाई है मैंने, और ये है फ्रंट इसका। इसमें साइड में चेन लगी है, हुक वगैरह कहीं नहीं लगे, साइड में चेन लगा रखी है। और ये दूसरे कलर की पट्टी लगाई है मैंने फोल्ड करने के लिए, क्योंकि वेलमेट का कपड़ा काफ़ी मोटा है और फिर काफ़ी मोटा हो जा रहा था पट्टी लगाने में, तो मैंने दूसरे कलर की लगा ली है। वो फोल्ड ही तो होना है अंदर को, दिखाई तो देनी नहीं है, ऐसे हो जाएगी तो दिखाई तो देगी नहीं। और बाजू में और कमर पे मैंने ये वाली लेस लगाई है, ये देखिए, और इसका बैक पीछे का नेक ऐसा है, ये देखिए। तो कैसा लगा मेरा ब्लाउज कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करना, न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना, और प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो फुल वॉच करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।